नमस्कार जी, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं गर्ग सिंह निराला आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे मूलांक सात या आपका भाग्यांक सेट। अगर सेवन नंबर से आप रूल करते तो आने वाला साल 2024 आपके लिए क्या सौगात लेके आने वाला है और क्या कुछ करना है। सात वालों का 2024 का साल कैसा रहा। फॉर न्यूमरोलॉजी, अगर आपका किसी भी महीने का जन्म की तारीख 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख होगा, इस साल आपको क्या देना। सात नंबर को सबसे पहले जो आप सभी जानते हैं कि सेवन नंबर जो होता है, अगर इसके प्लैनेट्स की बात करें तो केतु ग्रह होता है और केतु ही इसे रूल होता है और आपके कहीं ना कहीं आपके जो स्वामी है केतु, केतु ही आपका गुरु है। अब जानते हैं कि ये जो साल जो है ना 2024, आप सेवन नंबर वाले हैं और 2024 एट नंबर वाला है, तो यहाँ पे आप सात वाले का शनि के साल कैसा रहेगा, क्या कुछ आपके लिए लाएगा, इसके लिए आप जानेगा। अब 2024 को जब जोड़ते हैं ना तो 2 0 + 2 + 4, जीरो की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, टोटल 8 नंबर पे आता है। अब 7 और 8 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ना कि आप चाहते कुछ और है और होता कुछ और। बोलते आप करना तो नहीं चाहते हैं बट पाना भी चाहते हैं। बोलते ना किसी चीज को आपको चाहिए, इच्छा भी है, काश मेरे पास चीजें आ जाता ना बहुत अच्छा रहता। अब फिर बोलते अरे यार वो चीज से मतलब ही नहीं है, मतलब हाँ में भी और ना में भी। इसी के एग्जांपल में जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप किसी से आपका रिलेशन अच्छा है, आप उसे लगते हैं कि काश वो मेरे लाइफ में आता है, मेरे लाइफ में आती, चाह भी रहे, आप दूसरी तरफ से आपको पटरी भी नहीं पड़ रहा, एक कॉम्बिनेशन होता है। तो अब इसके साथ साथ और क्या होता है कि आदमी एक साथ भी रह भी नहीं सकता है और उसके बिना जी भी नहीं सकता। दोनों कंडीशन यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि राहु होता है आपके अंदर। क्या है ना कि आपको लगता है कि थोड़ा स्पिरिचुअल पाथ में जाए। सेवन नंबर एक अध्यात्म का नंबर है, स्पिरिचुअल का नंबर है, हर जगह देखते हैं ना सेवन होता है। महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर सेवन है। सेवन नंबर जो होता है एक स्पिरिचुअल को डिकोड करता है और एट नंबर भी जो होता है ये भी शनि का है जो कहीं की ये भी अध्यात्म की ओर जोड़ता है। अब इस नंबर को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके गहराई में जानना है। अब सेवन नंबर क्या है, स्पिरिचुअल से जुड़ा है जो डीप में जाता है। जितने भी रिसर्च वगैरह करते हैं कहीं ना कहीं सेवन नंबर वाले होते हैं। अब सेवन नंबर जो होता है ऐसे जो प्लैनेट्स जो होते हैं जो कहता है, अब मान के चलिए यहाँ पे एट नंबर है, आप सेवन नंबर वाले, अब एट नंबर क्या कहता है कि तुम कर्म करो, मेरे अकॉर्डिंग करो। जैसे कहता तुम कर्म करो, देंगे बहुत ही देंगे, भरपूर देंगे, लेकिन अपनी नियति को सही रखो, अपना कर्मा को सही रखो, किसी के साथ झूठ और धोखा मत करो। सेवन नंबर वाले हैं या तो धोखा खाते हैं या तो धोखा मिलता है, या तो आप दूसरे को देंगे या तो आपको आपको धोखा मिलेगा, और उस व्यक्ति को देंगे जिस पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो या तो आपको भी वही धोखा देगा जिस व्यक्ति पर आपने ज्यादा ट्रस्ट किया, देखेंगे जरूर आपको धोखा मिला। वो रिश्ते में हो या व्यापार में धोखा मिला होगा, खास करके अगर आपकी जन्म की तारीख 16 है तो आपको रिश्ते में धोखा जरूर मिला होगा, तो आपने दिया है या तो आपको मिला, दोनों में शिक्षित होते हैं। बातों को माइंड नहीं कीजिएगा क्योंकि धोखा क्यों मिलता है, क्योंकि राहु और केतु जब एक ग्रह एक राक्षस का नाम था, एक ग्रह थे, लेकिन जब जो है राहु अलग हो गया तो हमारे गर्दन के ऊपर के पार्ट राहु है और लोअर पार्ट जो हो गया केतु हो गया। केतु के पास कोई माइंड नहीं है, कोई जड़ धड़ है, ठीक है, नीचे के इसके पास जड़ है, ऊपर का धड़ इसके पास नहीं, इसके पास माइंड नहीं है, हर किसी में हाँ जी। अब ये कभी कभी सोचता है कि दिमाग नहीं तो किसी के साथ चीटिंग भी कर जाता, छल भी कर जाता, या तो कभी तब समटाइम्स ऐसे लोग काफी ज्यादा झूठ बोलते हैं, ये भी कंडीशन देखा गया। या अगर दूसरा कंडीशन की अगर बात करें तो सेवन नंबर वाले जो होते हैं माइंड में बहुत सारे प्लानिंग चलते रहते, सोच विचार करते रहते हैं क्या करें नहीं करें, इवन ब्रश करते रहेंगे ना तो भी सोचते रहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन केतु, केतु को और इजी करने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आप अगर चाहते हैं इस साल को अच्छा करना तो एट नंबर का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको आपको समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रीमली चीजों को कहलाता है और स्ट्रीम करता है, चीजों को बढ़ाता है। आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप परिवार के साथ रहना तो आप रह सकते हैं, आप चाहते हैं कोई जीवन में करियर में बदलाव लाना, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि सेवन नंबर से रूल कर रहे हैं ना। तो सेवन नंबर जो होता है आने वाला साल 2024 में इन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज आपके लिए परमात्मा ने शॉर्टकट नहीं बनाया, क्योंकि राहु वाले शॉर्टकट बनाते हैं और अभी अगर सेम सोचेंगे तो आपके लिए गलत है। शॉर्टकट नहीं करना है क्योंकि शनि को पसंद नहीं, और उसके साथ आपको क्या करना है, कोई भी काम करे ना शॉर्टकट तो करना ही नहीं और करना चाहिए भी नहीं, आपको नुकसान कर देगा।
खासतौर पर 7 और 8 वालों के लिए नहीं है। जो भी आप काम करते हो उसके अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन करें, डिसिप्लिन के साथ काम करना और अपनी लाइबिलिटी को, अपनी जिम्मेवारियों को करना है, उसको बोझ नहीं समझना। कह रहे वो तो मुझे काम दे दिया, अभी काम करना, बोझ नहीं समझना। आपको काम करना है और उसको इजी वे में करना है, यही आपको समझना। कि जब काम को आसानी से समझेंगे कि नहीं काम काम नहीं, ये तो मेरा बस सौभाग्य है, मुझे काम मिला है तो मुझे करना है, तो उसको इजी वे में जब समझ के काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। जैसे एक आपको एग्जांपल बताते कि बिल्कुल जैसे जो कोई गाड़ी होता है, चलता है कहीं भी जाना, तो उसमें पेट्रोल भराना पड़ता है, उसके अंदर कुछ चीजें डालनी पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर सोल्जर बॉर्डर पर जाता तो उसको वेपन्स के साथ उसको रेडी करना पड़ता है। वैसे ही अंदर साथ जो होता है, ऐसे लोग जो होते हैं ना, कि आप अंदर से जीवन में उतन किसी भी चीज का स्टेमिना लाना, सेल्वेशन लाना, या अपने कर्मों को और अपने अकॉर्डिंग अच्छा बनाना आपको ही करना चाहिए। क्योंकि 2024 शनि का साल है, कर्मों का जज करते हैं। क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना, आप जो अंदर से हैं और बाहर से अगर वही है तो आपको शनि साथ देगा, बट अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है ना, तो ये रिजल्ट आपको 2024 में ही दिख जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि शनि किसी को नहीं छोड़ने वाला है। जिन्होंने अन्याय किया है न्याय होगा, जो गलत किए पनिशमेंट मिलेगा। अब पनिशमेंट किस चीज में मिल सकता, ऐसा नहीं कि आपको कोर्ट कचहरी जेल कहीं चक्कर काटे मार, इकोनॉमिकल कंडीशन, टॉर्चर, हेल्थ इशू, उतन की हेल्थ का खराबी होना, बीमारी कोई हो गया, पैसे की तंगी आ जाएगी, कर्ज ज्यादा हो जाएगा, कर्ज वाले व्यक्ति आपको परेशान करने लगेंगे, कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म से आप छूट जाएंगे, आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ये भी चीजें हो सकता है। तो वैसे में क्या करना है, नंबर 7 वालों को रिसर्च बहुत आपको पसंद है, तो रिसर्च के काम करना है। और वो साल अब आ गया जहां चाहे तो आप इस ओकल्ट के फील्ड में आप जुड़ के भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअल चीजों में, टीचिंग के काम है, कोई भी आप बोलते ना कि फॉरेस्ट रिसर्च हो या और भी कोई रिसर्च में आप जा सकते हैं। आपके लिए साल जो रहने वाला कहीं की टीचिंग का फील्ड आपके लिए अच्छा है। आपके लिए ओकल्ट का, न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का फील्ड बहुत अच्छा है, इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। रेकी का काम आप करना चाहे तो कर सकते हैं, किसी भी मेंटोर का जिसमें माइंड हीलिंग का काम आपके लिए अच्छा रहेगा, या कोई डाटा से रिलेटेड, या कोई डेंटिस्ट, या किसी चीज का एनालिसिस करना, मार्केट में जाना, ये काम आपके लिए सुटेबल रहेगा, आप काम को कर सकते हो। बात करते हैं कि आपको माइंड को शांति कैसे मिले, क्योंकि जीवन में अगर अपने मन में अगर शांति चाहिए ना, और जीवन में अच्छा करना, और 2024 को बैलेंस कैसे करना, इस पॉइंट पर अब आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको मन की शांति करना, क्योंकि आपका मन बहुत बेचैन रहता है, और वेट नंबर आता है तो एक जगह स्टेबल होने नहीं देगा मन को, वो मन को कहीं ना कहीं चीजें करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, कोई संस्था से जुड़े हुए, वहां पे जाना, वहां पे आपको मेडिटेशन ज्यादा करना, या तो आप जिम जा सकते हैं, या तो आपको योगा करना, जितना ज्यादा आप करेंगे। आपको खास करके हेल्थ पर आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि अगर बात करें आपकी सेहत की अगर दृष्टिकोण से, नहीं तो अगले साल आपको अगर सेहत जो है ना, कहीं ना कहीं आपको कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको डर बना रहेगा, नींद नहीं आती होगी, स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, ये प्रॉब्लम रहती है। तो मेन उपाय में आपको शिव को पकड़ना है, 8 नंबर का है। आप जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअल से अभी जुड़े हुए हैं, आप अपने जिनको भी मानते हैं, जो आपके धर्म के गुरु जिस भी धर्म से हैं, उनके पास जाना। और 8 नंबर के लिए अगर हम बात करें अपने धर्म की, तो हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं। और खास करके आपको 2024 में जब भी कहीं सिग्नेचर करने का मौका मिलता है, तो पूरा 2024 नहीं लिखना, कट करना। जब भी सिग्नेचर करे, एग्जाम्पल में जो डेट है, उस डेट, डेट मंथ और लास्ट में 24, पूरे 2024 नहीं लिखना, ओनली 24 लिखना। 24 लिखने से क्या होगा कि 6 नंबर यानी वीनस, जो केतु का क्या है, यहाँ पे सपोर्ट करेगा, तो एक कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई भी निगेटिव काम नहीं करना, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अगर कोई निगेटिव काम कर रहे हैं तो आपके लिए नुकसान दे सकता है, और अपनी ईमानदारी पर नेक पर रहें। और जो आप काम करना चाहते हैं, ओकल्ट के फील्ड आपके लिए अच्छा है, स्पिरिचुअल का, टीचिंग का, आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं, शॉपिंग से रिलेटेड, या आप कोई स्टेशनरी के काम आप करना चाहते हो कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल में आते हैं तो मेडिकल के शॉप या मेडिकल के बिजनेस भी आपके लिए सुटेबल है, इसमें भी आप ग्रोथ कर सकते हैं। और ओकल्ट साइंस में आप
इस विद्या में भी कुछ भी आप सीख सकते हैं, या आप चाहते हो कोई रिसर्च में, आप साइंटिस्ट जैसा रिसर्च जो होता है उसमें भी जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपका माइंड उसमें चलता होगा, क्योंकि चीजों को डीप में जाना, क्यों हुआ कैसा हुआ, ये आपके अंदर एक क्वालिटी है। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है आप 7 नंबर वाले और लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, परेशानियां हैं, तो समझिए कि आपका नियम नंबर करेक्ट नहीं, तो आपको नियम के करेक्शन करवाने चाहिए। आप किसी से भी करवा सकते हैं, आप चाहे तो हमारे से भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आपका नियम और आपका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, जब आपका नाम ही आपकी पहचान है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो कोई जानता नहीं है लेकिन आपके नाम ही पूरी दुनिया जानती है। जब आपका नेम के अंदर एक पावर आएगा ना, तो लाइफ के अंदर ही पावर है। तो अपने नेम को बैलेंस करें और 2024 को अच्छा करें। और आप चाहते हैं, आप सबके लिए गुड न्यूज़, हमारा न्यूमरोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं साइंस को सीखना, तब हमारे से कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर है और डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद जी, ओम शांति, ओम शांति।